में भी बहाया कभी मना करने के बाद वो बने हैं जगह शांति के से अपने दिमाग को सेट करना चाहते भैया हमको नहीं पता कि कौन माइक पर बहुत से सेट करना चाह रहे हैं बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सत्ता ठीक नहीं चल रहा तो ये बात हम आज से नहीं हमने समझ रहे हैं क्योंकि जदयू के कई नेता कई सांसद कई विधायक हम लोगों के ही संपर्क में और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक अविश्वास जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही उत्पन्न होता जा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र जी को लेकर जिस तरीके से उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना धीरे धीरे ये सतह पर चीजें अभी हम लोग तो भाई लंबे समय से जानते ही और हम लोग तो बोल भी रहे हैं मौसम आज इस बात को पुनः में विश्वास के साथ कहता हूं कि हम बहुत बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए कोई भी पार्टी का अस्तित्व तभी रहता है जब उस पार्टी का भविष्य नेताओं को सामने रखा है। आप मुझे बताइए जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ने बार बार पाला बदलने का काम किया हो ऐसे में उन नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव लड़ते हैं वो तो जनता के बीच जाते नहीं हैं और अगर जनता के बीच वो जाते भी हैं तो पूरी बैरिकेडिंग के साथ जाएंगे। जनता उनसे मिल नहीं सकती लोग उनसे बात नहीं कर सकते पर उसके बावजूद कई जगह उनका विरोध हुआ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हमारी ही लोकसभा में गए एक कुल जगह था वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ गए हुए कई मंत्रियों का वहाँ पर विरोध। तो ऐसे में जो लोग जनता के बीच जाते हैं उनको मुख्यमंत्री की गलत नीति और गलत कार्यशैलियों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है और यही कारण है कि उनके नेताओं के बीच में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती जा रही है और कई नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी ये बन गई है मैं तुमसे आगे मैं तुमसे आगे। ऐसे में धीरे धीरे आप देखिएगा जनता दल यूनाइटेड खंड खंड में आने वाले दिनों में ये पार्टी बटेगी और पार्टी का अस्तित्व अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई संभालने वाला होगा। चिराग जी बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है हाजीपुर की घटना में भाई मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है। समाज को बांटकर समाज में भेदभाव उत्पन्न करकर उसका राजनीतिक लाभ लेना MY समीकरण बनाना अगला पिछड़ा की लड़ाई करवाना और मैं कभी भी जात पात धर्म मजहब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा। हैविंग सेड दैट जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं जो कविता उन्होंने पढ़ी है भाई ये कविता आज की नहीं लंबे समय से और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते हैं। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लिखा कम से कम ये कविता नहीं लिखी और अगर आप सुनेंगे इसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से था मैं भी था। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को ये नहीं कहा बट हाँ जो सोच इस पार्टी की है मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़ इस तरीके से मतभेद उत्पन्न करने बट हाँ इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी